ये जो छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित रह गए तो उनके लिए सीट बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था। क्या मांग है? मांग यह है कि अभी कॉलेज में सीएलटी राउंड चल रहा है, इसमें आज की तारीख में 50 से 80% के बच्चे भी ऐसे हैं जिन्हों को एडमिशन नहीं मिला, जिनको इनकी सीट बढ़ाने के लिए इनको सभी जितने छात्र छात्राएं छात्र प्रवेश से वंचित रह चुके हैं इनके लिए इनके सभी का एडमिशन हो एवं इनके लिए सीट बढ़ाई जाए, 30% सीट की मांग की है। जिन्हें और भगवानपुरा कॉलेजों में सीट खाली है, परंतु वहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें हम वहीं एडमिशन लेने के लिए बोल रहे हैं कि आप वहीं एडमिशन लें। या खरगोन के इतने बच्चे अभी रह गए प्रवेश से वंचित की वहाँ के बच्चे तो अभी दूरी है। यदि आपकी मांग का निराकरण नहीं रहता है तो अगला कदम क्या है? हमारी मांग का निराकरण नहीं होता है तो अगला कार्यक्रम यह रहेगा कि उग्र आंदोलन करेगी इनसे और जिसकी पूर्ण जवाबदारी कॉलेज प्रशासन की रहेगी। अक्षय रघुवंशी इनसे जिला अध्यक्ष। महाविद्यालय में जो निर्धारित सीटें हैं उसी के अनुसार प्रवेश हो रहे हैं और जिन जिन क्लासों में खाली सीटें हैं उसमें ये अभी 28 तारीख कल से फिर से शुरू हो गया है उसमें प्रवेश दिए जाएंगे, लेकिन जहां सीटें फुल हो गई है वहां तो संभव नहीं है। 30% सीट बढ़ाए जाने की मांग भी की जा रही है एक्स्ट्रा, ये विद्यार्थियों ने अभी ज्ञापन दिया है, इनकी बात को ऊपर तक भेज देंगे। आरोप ये भी लग रहा है कि सीट की जो भर्ती हो रही है इसमें मतलब राजनीति के तौर पर मतलब भर्ती किया जा रहा है, ऐसा पक्ष के दबाव में हो रहा है, ऐसा संभव ही नहीं, असंभव है। और अभी मेरी बात छात्रों से हुई है, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है और विद्यार्थी सब जानते हैं, मेरिट लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लगी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञापन दिया, अगली कार्रवाई क्या रहेगी? ज्ञापन को आगे भेज देंगे, जो भी प्रदेश स्तर पर कार्रवाई चल रही है, जो भी निर्णय हो रहे हैं वर्तमान स्थिति में वो प्रदेश स्तर से ही निर्देश आ रहे हैं, उनके शासन के निर्देशों को पालन करें। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।